ध्यान से देखिए। अरे पुत्र बेटा, आपको ये एक सेल दे रखा है, ये एक रजिस्टर है। देन ऑन दिस साइड आपके पास स्टिल वन मोर रजिस्टर इज देयर, ऑन दिस साइड स्टिल वन मोर रजिस्टर इज देयर, और यहाँ पे एक और रजिस्टर आपको दे रखा है दिस वे। और डियर स्टूडेंट्स, एक और रजिस्टर है एट दिस पॉइंट, एंड देयर इज वन मोर रजिस्टर एट दिस पॉइंट। और बच्चों, यहाँ पे एक और रजिस्टर है आपको दे रखा है। सारी स्पेसिफिकेशंस भी हमारे पास दी हुई हैं। दिस इज 2 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 7 ओम, दिस इज 6 ओम, एंड इट इज 8 ओम, दिस इज 2 ओम, और बच्चों ये 0.5 ओम, ये 15 वोल्ट। क्या आपकी, आई थिंक रोल नंबर 4 हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, अरमान हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ये बेटे क्वेश्चन है आपका। आइए पहले इसको कंप्लीट करें। वी आर टू फाइंड आउट द करंट ड्रॉन बाय दिस नेटवर्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेल। बेटे, एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड बेटा? डियर ऑल, दक्ष, हरलीन, हरसिमरन, केशव, कीर्ति, लक्ष, गुजराल, माधव, बलजिंदर, भूमिका, अंशिका, अखिलेश, एनीवन हैविंग एनी सजेशन इन ऑर्डर टू डील विद दिस क्वेश्चन बेटा? हरलीन, माधव, पलक, प्रभप्रीत, विरदी, राघव अरोड़ा, राघव दूसरे वाला, देन रूहानी, सजल, सिमर, प्रीत एंड सूर्यांश, तृप्ति, पारुल, कार्तिक, समीक्षा, वृंदा, एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल? जिसने पूछा है वो मुझे नहीं दिखा, अरमान दिखा नहीं है। अंशिका, हाँ जी पुत्र, अंशिका बोलिए जी। अंशिका, हाँ जी, एक मिनट माधव आप वेट करिएगा। अंशिका बोलो आप बेटा, रोल नंबर 2। अंशिका बेटे, यू आर अनम्यूटेड। अंशिका नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके माधव, माधव अपना हैंड रेज करना बेटे जरा। माधव, माधव, हाँ जी माधव बोलिए। सर 2 ओम और 8 ओम का रजिस्टर पैरेलल में आएगा? नहीं, ऐसे नहीं, शुरू इधर से शुरू होगा ये। आप इनको डायरेक्टली पैरेलल में नहीं कह सकते हैं, दिस इज द पॉइंट। और सेवन जो, ओम, 2 ओम और 10 ओम। ये हाँ पहले सर जो 2 ओम, 7 ओम, 2 ओम, 10 ओम और 8 ओम, ये सारे सीरीज में पकड़ लेंगे। एक मिनट, ये सीरीज में है तीन ये वाले, ठीक है? इनका इफेक्टिव इसके साथ पैरेलल में, और यस वो ऐसे सारे सीरीज में। अब करिए सारे स्टूडेंट्स, हरजोत ने आई थिंक सॉल्व कर भी लिया है, बाकी भी करो। ठीक है बेटे माधव, अब करिए सॉल्व ऑल ऑफ यू बेटे डियर चिल्ड्रन। सो मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। वी विल मैच द आंसर इन द एंड। ये जो तीनों आप देख रहे हो सीरीज में लगे हुए हैं रेजिस्टेंसेस, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर डैश 7 ओम प्लस 2 ओम प्लस 10 ओम, इट इज 19 ओम। ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद पुत्र, अब आप 19 और 6 को पैरेलल में अज्यूम करिएगा। 1/r" इज 1/6 प्लस 1/19, ठीक है जी? और इट विल बी 7, चेक करिएगा साथ साथ, इज इट देयर 1/r"? ये बन गया 25/114 एंड r" 1/4/25।
ये इतना हमारा हो गया है बेटा ये। अब ये वाला टू, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे पुत्रजी आपके सीरीज में हैं। आइए इनको वर्कआउट कर लें। आर इफेक्टिव, दिस इज अ टू प्लस, अब आपने इतना सॉल्व कर लिया है ये, ठीक है जी। ये इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 114/25, इसके साथ 8 वाला और 0.5 वाला, ये सीरीज में है सारे। और इसको ऐसे कर लो, ये आ जाएगा। एंड आर इफेक्टिव दिस विल बी 2 + 8 = 10, 10 + 45 = 55, 55 में ये कर दिया 56.1। ओ माय गॉड, चेक करिएगा सारे बच्चे बेटे और मुझे बताइएगा। यू ऑल माइट बी हैविंग कैलकुलेटर्स इन योर हैंड्स आल्सो। एंड आई इट विल बी इक्वल टू वी, आपका 15 वोल्ट है, और आर 56.1। सो मैंने ये भी मुझे बताइए पॉइंट में सॉल्व करके कितना आया। ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन गो फॉर दिस, रेजिस्टेंस को चेक करिए और इसको भी सॉल्व करके मुझे बताइए जल्दी से। हरजोत सिंह बेटा, हरजोत सिंह रोल नंबर 10, हरजोत 0.26 एम्पियर हरजोत हैज कैलकुलेटेड। आई इज इक्वल टू 0.26 एम्पियर्स। और हरजोत बेटा ये भी चेक करो, यहाँ पे भी ये भी मुझे बताइए। ऑल ऑफ यू माइट बी हैविंग इन विद यू कैलकुलेटर और सम अदर कैलकुलेटिंग डिवाइस, चेक करके बताइए आपका आंसर मैच कर रहा है सबका कि नहीं कर रहा बेटा। हरलीन, हरसिमरन, हरजोत, दक्ष, भूमिका, बलजिंदर, अंशिका, अखिलेश, राघव, ओके बेटा, वेरी गुड बेटे, ठीक है बेटे, ठीक है। सो यस, और हरजोत ये 45.6 नहीं है, एक मिनट चेक करिए। 114 को 25 से डिवाइड किया, ये आ गया, और ये आ गया जी, ये आएगा 5 2 आएगा, ठीक है आपकी बात बिल्कुल, नहीं बेटे 2 नहीं 1 नहीं आएगा, 150 बन गया। अच्छा 8 आएगा यहाँ पे, ये 6 मैं लिख गया हूँ, यहाँ पे 8 आएगा, और फिर यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। और इसको फिर थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, और चेक कर लीजिएगा बेटे। सो इसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लीजिए। राइट बेटा, डेसिमल इज आफ्टर 4, यस। चलिए बेटे एक बार मैं इसको सारे को दोबारा करता हूँ, आप सारे बच्चे देखो बेटे, कोई भी गलती का चांस ना रह जाए। आर डबल डैश बन गया आपका 4.58, ठीक है जी। और पुत्र आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये निकाल लीजिए फिर, देन 2 ये हो गया और 4.58 इनका हो गया, 8 ये हो गया, 0.5 ये हो गया। आर इफेक्टिव बच्चों की देखो आपका कितना बना, 8 + 2 = 10 + 4 = 14 और 15.08, चेक करिएगा बेटे एक बार फिर से, ऑल ऑफ यू 15.08 इट इज देयर और नॉट बेटा। हरजोत बच्चे चेक करना जरा बेटा, राघव, हरजोत, भूमिका, राघव, हरजोत, भूमिका, हरलीन, परसिमरन, कार्तिक, कनिष्का और 4.56। अच्छा ठीक है, 6 है तो फिर इसको हटाइए आप यहां से, ये आपके पास आ जाएगा। लेट अस वंस अगेन राइट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस
दिस इज 8 + 2 10 + 4 14 और ये 15.08 चेक करिएगा और आई आपके पास आ जाएगा 15/15.08 और ये करंट आपका करीब करीब 1 एम्पियर के पास आ जाएगा, बेबी 0.9999 आ जाए। देखिएगा भी टेक पर चेक करके सारे स्टूडेंट्स बेटे और बताइएगा यस वेरी नाइस। पलक ठीक है बेटा, पलक इसको चेक करके देखो बेटे फिर आगे यस आई भी निकाल के देखिएगा आई पलक पॉइंट नाइन नाइन बिल्कुल ठीक है जोत बेटा 0.99 MPa ठीक है जी। सो ये बेटे आपके पास एक प्रॉब्लम था, आप में से ही किसी स्टूडेंट ने पूछा था रोल नंबर 4 मुझे अरमान लग रहा है बट ही डजंट सीम टू बी प्रेजेंट प्रेजेंटली इन द क्लास, तो चलिए बाद में अपने आप फिर देखिएगा। आइए अब आगे चलें, आई हैव गॉट सम बेटे माधव बेटा एन अदर क्लास कौन सी हो गई, अच्छा 10th A में है, सॉरी सॉरी बेटे ठीक है ठीक है ठीक है ओके पूछा उसने था मुझे लगा कि आपकी क्लास में से किसी ने पूछा है राइट बेटे। सो बेटे मेरे पास ये कुछ क्वेश्चन बैंक है आपके 10th क्लास के लिए, आइए बेटे इसमें से कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं इनको स्टडी करना स्टार्ट करें बेटे। मैं पहले हमारे पास जो बेटे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हैं बेटा इनके बारे में बेटे बात करूंगा, आइए फोकस करें। दिस इज केस स्टडी, सारे बच्चे बच्चों ध्यान दीजिएगा सुनिएगा। आदित्य डिसाइडेड टू कंप्लीट हिज फिजिक्स प्रोजेक्ट, He purchased 3 resistors, 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm from the shop. Later he purchased 6 volt battery. Switch and an ammeter to complete the circuit as shown below. केस स्टडी के अकॉर्डिंगली उन्होंने किसी स्टूडेंट को बताया है कि उसने 3 रेजिस्टर्स, 1 बैटरी, 1 की और 1 एमीटर लेकर कुछ ऐसा सर्किट बनाया है। सर्किट आपके सामने है डियर चिल्ड्रन, 1 रेजिस्टर यहाँ पे है और देन 1 रेजिस्टर यहाँ पे भी आपको दिया गया है एंड 1 रेजिस्टर आपको यहाँ पर भी दिया गया है। ये रेजिस्टर्स का नेटवर्क है और यहाँ पे आपको एक बेटा बैटरी दी गई है और बेटा एक आपको की भी दिया गया है और एक आपको बेटे एमीटर दिया गया है इन दिस मैनर बेटा। ये चीज आपके पास आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पे ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये बेटे 10 ओम का और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस है। दिस इज द की के, ये आपके पास एमीटर ऐसे लगा हुआ है, 6 वोल्ट का बच्चों बैटरी है, ये उन्होंने करंट भी ऐसे इंडिकेट करके आपको दे रखा है। फाइंड द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर, पहला क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर और आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है 1.2 एम्पियर एंड सेकंड है 1.5 एम्पियर, थर्ड है 1 एम्पियर, फोर्थ है 2 एम्पियर्स। ये चीज बच्चों आपको प्रोवाइडेड है। राघव हैव सॉल्वड इट टू बी 1.2 एम्पियर और इसके आंसर्स, हाँ जी बेटे इट इज देयर बिल्कुल ठीक है ओके बेटा। अंशिका 1.2 बेटे वेरी नाइस बहुत बढ़िया, आपने गुड वे में कैलकुलेट किया है
बेटे हम मैं भी इसको सॉल्व करता हूं, आप देखिएगा आपके तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि जितनी बैटरी की वोल्टेज है हर एक रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट के बराबर है, यानी ये 6 वोल्ट जो है ये इसके अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस भी है। अब हमें इसकी बात करनी है, आई जो है बी अपॉन आर हुआ करता है, बी आपका 6 वोल्ट है, आर आपका 5 ओम है, ऑब्वियसली 1.2 एम्पियर्स आपके पास पहली ऑप्शन जो है बन जाएगी। आपने सॉल्व कर दिया है, दैट इज वेरी नाइस ऑन योर पार्ट। आइए पुत्र अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने मिलता जुलता ये फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, थ्रू 10 ओम रेजिस्टर, और ऑप्शंस में आपको लिख दूं 0.6 है बेटा पहला ऑप्शन, 0.6 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ये ऑप्शंस आपको दी हुई है। ए बिल्कुल ठीक, राइट। अगेन आई आपका जो है वी अपॉन आर ही होगा, और वी आपका 6 वोल्ट और आर आपका 10, आप 6 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास जो है बेटे ऑब्वियसली 0.6 एम्पियर्स करंट आपको बेटे मिल जाएगा। और तीसरे पार्ट में 30 ओम का भी पूछा हुआ है, उन्होंने निकालिए फटाफट आप फाइंड द करंट थ्रू द 30 ओम रेजिस्टर, ये भी निकालिएगा। तीसरा क्वेश्चन है बेटा फाइंड द करंट थ्रू 30 ओम रेजिस्टर, 0.2 एम्पियर है जोत है, सॉल्व इट। मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूं बेटा, पहला ऑप्शन है 0.6 एम्पियर, सेकंड है 0.2 एम्पियर, थर्ड है 1 एम्पियर, फोर्थ है 0.5 एम्पियर्स। अगेन आपका आई बेटे जो है ये वी अपॉन आर होगा, बी आपका बेटे 6 वोल्ट, आर आपका 30 है, और ये 0.2 एम्पियर्स आपको मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन केस स्टडी का आपको बच्चों दे रखा है, लेट अस फोकस अपॉन दिस पार्ट ऑन दिस क्वेश्चन। इट इज गिवन टू यू दैट इन दिस फोर्थ पार्ट फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट बिटे, टोटल करंट इन द सर्किट ये आपको ढूंढना है। 2 एम्पियर राघव हैव सॉल्व्ड। पहला ऑप्शन है बच्चों 1.2 एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन 1.5 एम्पियर, थर्ड 1 एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन है 2 एम्पियर्स। आप में से कुछ बच्चों ने सॉल्व भी किया है, आइए चेक कर लें एक बार। बेटे तीनों रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा टोटल करंट के लिए। इट विल बी 1/5 + 1/10 + 1/30, ये बन गया जी 30, ये बन गया दिस इज 10/30, आर इफेक्टिव इज 10/30, 1/r इफेक्टिव, एंड आर इफेक्टिव इट इज 30/10 बन जाएगा, एंड आर इफेक्टिव इज 3 ओम। और अगर आर इफेक्टिव 3 ओम है, V आपका 6 है, I will be equal to V upon R, 6/3, this is with equal to obviously 2 amperes, 2 ampere आपके पास with करंट आ जाएगा। कुछ बच्चों ने सॉल्व भी किया है, बड़ी अच्छी बात है, खुशी वाली बात है, आप साथ साथ कर रहे हो काम, और ऑल एप्रिसिएशन फॉर यू बीइंग एक्टिव इन द क्लास एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स साइड बाय साइड अलॉन्ग विद मी बेटे, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन इसी
केस स्टडी का, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये तो आपने कर ही लिया है, ये निकाला ही है आपने ये, ठीक है, सो ये आपका इन इफेक्टिव ही रह जाता है। सो इन दिस वे बेटे आपने इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। इसके साथ बेटे एक और मिलता जुलता केस स्टडी का क्वेश्चन आपको बच्चों में दे रहा हूं, आइए इसको भी सॉल्व करके देखें और लेट अस फोकस अपॉन दिस। आदित्य डिसाइडेड टू कंप्लीट हिज फिजिक्स प्रोजेक्ट, ही परचेज्ड थ्री रेजिस्टर्स 4 ओम 8 ओम एंड 8 ओम फ्रॉम द शॉप। लेटर ही परचेज्ड 8 वोल्ट बैटरी स्विच एंड 2 एमीटर्स एंड 2 एमीटर्स टू कंप्लीट द सर्किट एज शोन बिलो। इस बच्चे ने सर्किट ऐसे लगाया है, आपको एक 8 वोल्ट का बैटरी दिया गया है, यहां पे की लगाई गई है एक, और इसके साथ ही आपको बेटे एक रेजिस्टर दिया गया है यहां पे एमीटर A1 एंड डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे दो रेजिस्टर्स आपको ऐसे दे रखे हैं उन्होंने, एक ये है रेजिस्टर और एक रेजिस्टर आपके पास ये वाला है, और इनको आपने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। दिस इज एमीटर A2, एमीटर नंबर 2, ठीक है जी। सर्किट का नाम रखा हुआ है A, बी सी डी ई नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, 8 वोल्ट की बैटरी है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो चलो आपको लगाने ही होते हैं। ये दोनों 8 ओम के, और ये वाला आपका 4 ओम का, ये आपको सेटअप दिया हुआ है, राइट। दिस इज द सेटअप। आदित्य डिसाइडेड टू कंप्लीट हिज फिजिक्स प्रोजेक्ट, ही परचेज्ड दीस रेजिस्टर्स, दिस बैटरी, दिस एमीटर, दिस की एंड कनेक्टेड इट एज शोन इन द डायग्राम। आपको अब बच्चों करना क्या है, आपको इसके साथ रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द कॉम्बिनेशन। पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इफेक्टिव, यस इट इज, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स कनेक्टेड एज शोन इन द कॉम्बिनेशन। ऑप्शंस में 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम, ये ऑप्शंस हैं, आपने निकाल दिया है। 8-8 के जब दोनों पैरेलल में लगाओगे, ये थम्स अप फॉर यू, 4 आ जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 1/R इफेक्टिव इन दोनों का, 1/8 प्लस 1/8 इज 2/8 इज 1/4 एंड R इफेक्टिव इज 4, आप ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको दिया गया है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सेकंड है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, 1 एम्पियर, राघव हैव सॉल्वड इट। ऑप्शंस में लिखता हूं, आइए देखें। ए ऑप्शन है 0.6 एम्पियर,
0.2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ये चीज आपके पास है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का इफेक्टिव आपने 4 निकाल रखा है, 4 ओम, ये इस 4 के साथ सीरीज में आ जाएगा। नेट रेजिस्टेंस आपके सर्किट का जो है दिस इज 8 ओम, और आई आपका वी अपॉन आर होता है, तो वी भी 8, आर भी 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 इट विल बी 1 एम्पियर। चेक करिएगा सारे बच्चे, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट और नॉट। भूमिका, बलजिंदर, ओके, ठीक है। थर्ड है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, 2 वोल्ट, 3, हाँ जी ठीक है जी, 2 वोल्ट, देन इट इज बेटा, हाँ जी ठीक है राघव, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये चीज है बेटे। V आपका जो है I इंटू आर के बराबर होता है, I आपने 1 एम्पियर निकाल लिया, तो इसमें से जब 1 एम्पियर का करंट आपका फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस जो बी होगा दैट विल बी इक्वल टू आई इन टू आर, कर दीजिए, आई आपका 1 एम्पियर है, आर 4 ओम है, तो 1 इन टू 4 इट विल बी 4। सो इन दिस वे आप इसको समझ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आओ बच्चों आगे चलें, फोर्थ पार्ट आपको क्या दिया गया है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट पार्ट बेटे, let us focus on the fourth part। आपको दिया गया है fourth part में, find the power dissipated in the 4 ohm resistor, find the power dissipated in the 4 ohm रेजिस्टर। ऑप्शंस, हाँ जी बेटे राघव, हरजोत, एक मिनट बेटे, ठीक लग रहा है मुझे आपका, पावर डिसिपेटेड है 2 वॉट, बी है 3 वॉट, सी है 4 वॉट, डी है 5 वॉट। पावर डिसिपेटेड आपका निकालना है, आपको पावर वी इन टू आई करके निकाल लीजिएगा, या आई स्केयर इंटू आर कर लीजिएगा, अगर आपके पास वी अवेलेबल नहीं है तो आप आई स्केयर इंटू आर भी कर सकते हो। बेटा पावर डिसिपेटेड इन द 4 ओम रेजिस्टर चाहिए ना आपको, यस, हाँ जी बच्चों, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर, पावर आपका सिंपली V इंटू आई होता है बेटे, V इंटू आई कर लो, अगर V इंटू आई नहीं करना चाहते, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, V आपका बेटे था यहाँ पे 4 वोल्ट, I आपका 1 है, तो 4 वॉट आ जाएगा आपका, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप आई स्क्वायर आर कर लो, तब भी आंसर आपका सेम ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, फाइंड द डिफरेंस इन द एमीटर रीडिंग्स, फाइंड द डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग्स, दोनों एमीटर्स की रीडिंग्स में कितना फर्क है ये निकालना है आपको। पहला ऑप्शन है बेटा 1 एम्पियर का डिफरेंस है, दूसरे ऑप्शन में दिस इज 2 एम्पियर, तीसरे ऑप्शन में 3 एम्पियर, चौथे ऑप्शन में नो डिफरेंस। चेक करिए और बताइए ऑल ऑफ यू बेटा, यस बेटे, डियर चिल्ड्रन,
ऑल ऑफ यू बेटे चेक एंड टेल व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी बेटे 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर नो डिफरेंस ऑल ऑफ यू चेक एंड टेल 4 ओम एमीटर A1 एमीटर A2 दोनों में आपको फर्क बताना है कितने राघव इट इज डी यस बेटे करेक्ट बिकॉज बड़े ध्यान से समझिएगा 1 एम्पियर करंट आपका यहां से फ्लो करना स्टार्ट हुआ आपका ये वाला एमीटर 1 एम्पियर की रीडिंग शो करेगा आगे चल के आपका करंट दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है और ये दोनों ब्रांचेस आगे जाके फिर मीट कर रही हैं अगेन द करंट थ्रू दिस रेजिस्टर विल बी 1 एम्पियर इसकी रीडिंग भी 1 एम्पियर है इसकी भी 1 एम्पियर है देयर विल बी नो डिफरेंस इन द करंट अगर आप डिफरेंस लोगे ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली इट विल बी बेटा जीरो सो इन दिस वे बेटे आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं कि इन दोनों केसेस में देयर इज नो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एंड वी विल सॉरी डिफरेंस ऑफ करंट सो वी कैन इन दिस वे कैलकुलेट पलक बेटे एक बार फिर से सुनो बेटा ये बेटे आपका जो एमीटर A1 है इसमें से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है A2 में से भी 1 एम्पियर का जा रहा है आपको दोनों का फर्क बताना है तो 1 एम्पियर में से 1 एम्पियर माइनस कर दो इट विल बी जीरो नो डिफरेंस विल बी देयर सो थैंक यू बेटे ऑल ओके बेटे बाकी फिर कल करते हैं थैंक यू बेटा